देश के पांच राज्यों में मतदान खत्म हो चुके हैं। इन पांचों राज्यों के अलग अलग एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन रही है ये तय हो चुका है और प्रदेश का आशीर्वाद इस चुनाव में बीजेपी को मिला है, जिससे हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है और जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा।